औस बिल शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ व्यूअर्स, आप लोग सुनाएं, आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैंने कहा वीडियो चलो यहाँ से शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि खान जी आज टिंडे लेकर आए थे। ये देखें मैंने टिंडे जो है वो काट लिए हैं, रखे हैं, ये देखें। तो आज मैंने ना टिंडे बनाने हैं खान के लिए, तो सोचा टिंडे बनाते हुए थोड़ी सी ज़्यादा नहीं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें इसमें मैंने घी डाल दिया है, प्याज डाल दिया है, और जो है ये देखें लहसुन जो है वो चॉप करके डाला है। तो अभी हम ये सही करके यहाँ करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, थोड़ा सा इसका जो है कच्चापन हटाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे। मैं इस तरह बनाती हूँ, ये मेरे स्टाइल से है। तो थोड़ा सा जो है इसको करके, तो अब मैं इसमें ना थोड़ा सा इसका कच्चापन सिर्फ हटाएंगे, फिर उसके बाद ये जो टिंडे हैं मैंने ये डाल देती हूँ, ये सारे डाल देती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये इस तरह सारे डाल देती हूँ, ऐसा रह गया है। देखिए मैंने सारा डाल दिया, तो ये देखें व्यूअर्स, अब इसको मैं यूँ हिलाती रहूँगी ताकि ये अपना जो है टिंडे जो हैं उनमें काफ़ी मिकदार में इस पानी होता है, तो वो घी में और इसमें जो है ना पानी छोड़ देगा, फिर वो पानी मैंने खुश्क करना है, फिर वो पानी खुश्क हो जाएगा, टिंडों का जो पानी निकलेगा ना वो खुश्क हो जाएगा, उसके बाद जो है मैं इसमें बाकी चीज़ें डालूँगी। ये देखें व्यूअर्स, ये जो है टिंडों ने जो है देख लें ये घी में पानी छोड़ दिया है, तो इस तरह मैं इनको हिलाती रहूँगी थोड़ा सा। और ये देखें, ये मैंने टमाटर काट लिए हैं, देखें टमाटर भी काट लिए हैं, और धनिया और मिर्चें हमारे अपने घर की हैं, तो धनिया और मिर्चें ताज़ा हैं, बिल्कुल बीनी बीनी से खुशबू आ रही है धनिया की, क्योंकि ये जो है मैं अपने घर की हैं, तो मेरे देवर के घर में थी तो वहाँ से मैं काट कर लाई हूँ। ये देख लें व्यूअर्स, तकरीबन जो है ये देखें व्यूअर्स, टमाटर भी डाल दिए, और ये धनिया, और ये हैं सब्ज़ मिर्चें, ये सब डाल दिया। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, अब मैं इसको दम पे लगा लेती हूँ बस, फिर ये हमारा सालन जो है, इसमें पानी नहीं डालता क्योंकि ये घी में जो है सारा वो मिक्स हो जाता है, फिर इसमें मैं पानी नहीं डालती। इंशाल्लाह अभी इसको मैं दम पे लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट ये दम पे रहेगा, उसके बाद फिर आप लोगों को चेक कराती हूँ। अब ये इसकी फाइनल लुक है, अब हम इसको जो है बंद कर देते हैं, गैस का फ्लेम बंद हो गया है। गैस जो है वो मैंने बंद कर दी है, और ये है इसकी फाइनल लुक। वो उसे खींच रही है बाल्टी, ओए गिरा दी, पीछे गिरा दी ना सारी, देखें तो सही सारा पानी गिरा दिया। हाँ जी का एक ही कमाल है, बस बाल्टी रख के चले जाते हैं, मैंने भी किया कि वो गिरा देती है। ये देखें व्यूअर्स, इंशाल्लाह इस गाय का अगर बच्चा होगा, इंशाल्लाह होगा तो सही, लेकिन पता नहीं कब होगा, कितने दिन हो गए, तो होगा तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो अपलोड करूँगी। और ये जो है इसका भी होगा, लेकिन 15 दिन इसे रहते हैं अभी। और ये है हमारा राजा खान, ये है हमारा राजा, राजा शो ना बच्चा, दिखाओ नाक, दिखाओ नाक, दिखाओ व्यूअर्स को, व्यूअर्स को नाक दिखाओ, नोज़ी कितनी साफ़ है, अच्छा बच्चा है। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें इसका मुंह, देखें चेक करें, ये इसका इसका बच्चा है, ये सफ़ेद वाली नहीं है गाय मेरी वाली, इसका बच्चा है, और उसका जो है वो रेड वाली जो है चांदी, जो है चांदी को ये पहला जो बच्चा होगा इंशाल्लाह, ये वाला बच्चा जो होगा इसका ये पहला होगा,
ये देखें चांदी को देखें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारी गाय है मेरी। व्यूअर्स बाहर लेकर जाती हूँ, दिखाती हूँ, देखें पानी चेक कर लें, ट्यूबवेल लगा हुआ है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, पानी है जो है हम पानी दे रहे हैं, खेत को पानी दे रहे हैं। गर्मियों में व्यूअर्स इसके अंदर हम बैठे होते हैं, इसके अंदर होते हैं हम, इतना मज़ा करता है। प्लीज़ मेरे चैनल नूर देसी विलेज लाइव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बरवक्त पहुँच सकें। व्यूअर्स ये देख लें, ये जो है वो है, हाँ जी बेटा, वो देखें साइकिल लेकर आ रहे हैं, वापस आ जाऊँ, ये तो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। फिर आ रहा है उसका, बस बस अब चलाओ चलाओ, व्यूअर्स अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल नूर देसी विलेज लाइव को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और ये दानियाल को भी चेक करें। बच्चा बच्चा दानियाल, व्यूअर्स हम पठान हैं और हम पठान जो है ना बड़े मज़े की हमारी वो है, जितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, जितने भी एडवांस हो जाएं, हमारा जो लहजा है वो हमारा वही पठानों वाला रहता है, मज़ा आता है, मज़ा करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लहजा वही रहे ना करो बेटा ना करो, क्योंकि अपनी पहचान तो नहीं भूलनी चाहिए ना। और ये पश्तो पठान जो है ये तो हमारी मादरी ज़बान है और इसको तो हम नहीं भूल सकते, और हम पठान जो है ना पश्तो में फेको फेक इस्तेमाल करते हैं, फेको हम फेक की तरह यूज़ करते हैं, मतलब परजाना को परजाना और गफूर को गफूर इस तरह कहते हैं, फिरोज़ को फिरोज़ खान कहते हैं, ये हम पठान हैं, इसलिए बहुत मज़ा आता है जब हम सब बैठे होते हैं और वहाँ पे मेरी खाला या फूफो आवाज़ करती है ना परजाने, इतना मज़ा आता है ना वहाँ पर। ये देखिए हमारे डॉगी को भी चेक कर लें, हाँ जी कहाँ जा रहे हो, ये देखें खान जी पानी चेक करने जा रहे हैं नीचे जो है, ये हमारी ज़मीन है जहाँ का जो है सारा वो ख़त्म हो गया है, जहाँ घास जो है सारी जो है वो ख़त्म हो रही है, देख लें ये पानी हमारा आ रहा है तो यहाँ पे जो है सारा जो है घास ख़त्म हो रही है और वो जो है बाकी है, घास को देखें चेक कर लें सही नज़र आ रहा है सहाँ से। हम लोग जो गए वापस आ गए हैं घर में, ये देखिए मेरी गाय को देखो इतनी प्यारी लग रही है, ओए फिर बाल्टी रखी है यहाँ पे, ये देखिए ना ये गिरा देती है, हटो उस तरफ, हटो हटो उस तरफ, हटो हो जाओ बेटा उस तरफ हो जाओ, जाओ उस तरफ हो जाओ। ये हमारी गाय को रेड वाली गाय है जो चांदी है, उस तरफ हो जाओ। हम गाय को दिन में फ़िलहाल तो गर्मियां नहीं है फुल तो दो बार पानी पिलाते हैं, वैसे बहुत सख्त गर्मियां हो जाती हैं फिर इनको तीन बार पानी पिलाना पड़ता है। ये देखें बड़ी शरीफ गाय है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी गाय है, बहुत ही ज़्यादा मेरी शरीफ गाय है, ये देखें। और ये वाली यानी ये थोड़ी सी लड़ाकू है, क्या 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 है जो
अनीशा बोलो, अनीशा राजा था बोल रहे। हाँ ये राजा को देख रही है अनीशा। अभी ये 8 महीनों की पूरी है और 9वां महीना अभी स्टार्ट हुआ है इसको, और इसकी हरकतें तो चेक करो, ऐसे नखरे करती है शोना बच्चा। मेरे देवर की बेटी है, अनीशा शोना बच्चा। उई शी, इतना प्यारा बच्चा है।